ए तू इनकी कर पहचान ध्यान से क्या हेरी तेरी आंखे बनवाई तू जिंदगी कर वो आंख तो नहीं है, पहली बात तो ये। अच्छा, अब तो उनसे भी ज्यादा फूट गई। मैंने सही करवाई है द्रौपदी, आज तूने काजल ज्यादा लगा लिया अपनी आंखों में। अच्छा हाँ। मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बट तुम्हारी फूट गई अब तो। मेरी नहीं फूटी। अच्छा सही करवा, सुनिए मेरी बात, बताइए सुनिए। समाई होती कैसे भरू सबर के घूट, पहले तो रे पहले तो कुछ दिखे था आज ये की गई से फूट, पहले तो कुछ दिखे था आज ये की गई से फूट। मेरा नाम दुर्योधन री, मेरा नाम दुर्योधन तन करके छोटू पारे बाटे, अंधे का अंधा कहगी दिल्ली में लगा के ठाटे। आगे मत न बोलो न सुनो पिछला बोल दियो काटे, आगे मत न बोलो न सुनो पिछला बोल दियो काटे। ओ मने जैसा बो दिया बीज, मने जैसा बो दिया बीज, बीज का बीज ऐसे बोती है जो तेरे। अरे जो बीज मैंने बोए ना मैं अपने आप काट लूंगी, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुझ पर नहीं कटेंगे, मैं काट लूंगी। नहीं नहीं काट लूंगी, बच्चों ने जिद मत कर, काट लूंगी क्योंकि तुझ पे तेरे पांचों पतियों पे नहीं कटेंगे। अच्छा हाँ, पांचों पतियों को दूर रख, मैंने तुझे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया हाँ कि तुम 101 और मैं अकेली। क्या करेगी फिर, तुम पे भारी पड़ूंगी। अच्छा पांचों पांडव भारी होगी हम पे नहीं, सुनिए मेरी बात गौर से। हेलो बोली के तीर सभा में बुलाई ही गई हाँ। तारने को तेरा चीर हाँ। जा दिखाई जागी देखेंगे सब नगन शरीर, नंगी जा दिखाई जागी देखेंगे सब नगन शरीर। फिर कोई नहीं रोका टोका, खेल ले मन माने भाग हाँ। मेरा
कपड़ा चीर के तारे तेरी धूल में मिला जो पाग। हंसनी ने हंसनी नमक ना छेड़े का हो जा काले नाग। हंसनी नमक ना छेड़े चुपका हो जा काले नाग। हो मेरे करे हैं जिगर करे हैं ठिकारे उपाय और है। उपाय? हाँ। क्या कौन सा उपाय? मेरे जुर्म से मेरे दंड से बचने के लिए। अच्छा हाँ। जुलम भी करेगा तू? मैं? हाँ। अभी तो देखती जा क्या होता क्या है। ना ना मेरे ऊपर जुलम मत कर। अच्छा हाँ। अगर तू हमारी दासी बनना चाहती है तो तेरे कुछ जुर्म माफ हो सकते हैं। सुन मुझे हाँ। कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी दासी बनने में। इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तू सजा ले। सजा ले लूं? सजा वो तुम्हारे बस की नहीं है मुझे सजा देनी। अच्छा, और सुन, सुना जो दवाई तेरे असर करना बंद कर दिया ना दवाइयों ने। हाँ। वो दवाई आज मैं दूंगी तुझे। तेरे पास ही तो असर की चले ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तेरे पास ही तो मेरी दवाई थी द्रुपति। तेरे ही पास मेरी दवाई है। तेरा ही हाँ। इंतजार था। मेरे ही पास तेरी दवाई है। मैं ही ठीक करूंगी तुझे। हाँ। सुन मेरी बात सुना दे। पड़े खून की भेंट वीर के संग बैर करया डूब के मरा ना जेठ। वीर के संग बैर करया डूब के मरा ना जेठ। मैंने नहीं बैर किया और मैंने नहीं बैर किया तो? मैंने नहीं बैर किया तन करी छेड़ छाड़ जेठ बहू का बैर देखा। जेठ बहू का बैर खैर अब पार नहीं आई तू द्रौपदी। हाँ। मैं आखिरी बार तेरे को समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा है? अगर तेरा कोई इस भरी सभा में हिमाती हो अच्छा उसको बुला लेना। अच्छा क्योंकि फिर मेरा विकराल रूप हो जाएगा फिर मैं रुकूंगा नहीं। तू अपना विकराल रूप दिखा। दिखाऊ? हाँ। सुन ले मेरी बात। Got it.
छाती ही तेरा भारी बैठी से बन जाते आगे ना बढ़ा के हार घुस चीर तार आगे ना बढ़ा के हार कौन खेले हाँ। किसकी हुई जीत हार जुए मेरे जुए में हराई किसने किसको मेरा अधिकार जुए में हराई किसने किसको मेरा अधिकार हो कह गौरी सर करनाल लाल कह गौरी सर सुनी है कि मेरे लाल को फांसी लगेगी। मैंने कुछ भी नहीं खाया, अंत तक नहीं खाया है, तो पहली बात में वो कैसे समझाने लगी, क्या लिख दिया है? बनी रे फिरे से कागड़े कल से भोजन ना खाया है दुखियारी बेरागड़े हो है दुखियारी बेरागड़े पर ओस पराई ना चाटे जो तेरे रे मेले की नागने पूजी गाते फिर खिलेंगे वो ही सावन सावन वो ही सावन भागन ओ लक्ष्मी बाई रह रे सुहा Yeah.
बिने बालम वीर बिहोनी आई रे बिहाली गोटी खाली बाबाजी की धोनी अरे ऊपर जा कते नीचे जा सब महल अटारी सोनी आ गई जानी भी चाले में यहाँ खूनी मांग रहे खूनी खून मांग रहे खूनी अरे मुस्की मिले सब मुस्की अपने लाल को समझाती कि बेटा मुसलमान भी वही है और हिंदू धर्म भी वही है, लेकिन मैं तुझसे कहती हूं कि तू मुसलमान बन जा, कोई बात नहीं, मुसलमान बन जाएगा मेरी आंखों के सामने तो रहेगा बेटा तू, लेकिन मेहरबानो साफ इनकार कर देता हूं हकीकत। और वह रागने अच्छी लगी तो वह जोरदार ताली मार दे, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात में क्या कहने लगी माफ़ रहा? चुकेगा धर्म राज के नरे जा मैं इकली जी नाना चाहरी चाह रही सारी पर जा बेटा चाह रही सारी पर जा और वो ही राम और वो ही खुदा है दोनों में एक दारे जा मुसलमान हो चारे लाडे ले इसमें के तेरे जा हो बेटा इसमें के तेरे जा गुरुजी ने हमारे ने और क्या लिख दिया है
से मिल जा सांस में सांस गुरु का हर जिमत कारे हिरे दे में हो तो सब पर काश गुरु का गुरु का बालक बने ते सेवा कर पिरु बन गया दास गुरु का पिरु बन गया दास गुरु का अरे बड़ी रे मिलक में वासी गुरु Thank you.
रामचंद्र पंच जी सोडावास। जी हाँ, श्री रामचंद्र पंच जी सोडावास, उनकी तरफ से भी दोनों कलाकारों के लिए 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। अगर रागनी की लाइन समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार तालियां से आप भी सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों से। बेटी सुनीति कहिए नारद जी। विधि हम आपको बता देंगे। अच्छा, लेकिन हाँ। इतना मुश्किल काम है, शायद उसे तुम कर ना पाओ। नारद जी हाँ, सिर्फ आप मुझे विधि बता दीजिए, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं आपकी हर बात मानूंगी। पक्की बात है? पक्की बात। सवाल करते हम तुझे बताते हैं। सुनिए मेरी बात। साजन अपने साजन का बेटी तू तू जा ब्याह करवा दे, अपने साजन का बेटी तू तू जा ब्याह करवा दे। इसमें भला होए कि मेरा, इसमें भला होए कि मेरा लाड प्यार छुटवा दे। दिल में सबर शांति रख और मन में ने किरा दे, दिल में सबर शांति रख और मन में ने किरा दे। सारी बात खोल समझा दे, सारी बात खोल समझा दे, क्यों मन ने उलझावे। तेरी कोख ते पुत्र जन्म ले, उसके भी एक लड़का जन्म लेगा और तेरी कोख से भी एक पुत्र जन्म लेगा। अच्छा, इस विधि को तुम्हें करना पड़ेगा। नारद जी हाँ, अगर मैंने अपने पति की दूसरी शादी करा दी तो मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत मुश्किल काम है महारानी। पुत्र तो तभी जन्म लेगा जब राजा की दूसरी शादी होगी, अन्यथा तुम बांझ ही रहोगी। नहीं नारद जी, नहीं, ऐसा मत कहिए जैसा आप कह रहे हो। नारद जी हाँ, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे ये तो बताइए, क्या इस उम्र में राजा से शादी करेगी कौन? अच्छा, दिक्कत ये है, राजा की 70 साल उम्र है। 70 साल, 70 साल के बूढ़े आदमी के साथ शादी कौन करने के लिए तैयार होगी? कौन करेगी ये पूछना चाहती हो? हाँ। वो उपाय भी हम तुझे बताते हैं। अच्छा। सवाल कर दे। अच्छा हाँ, सुनिए। बता दूंगा, समझ में आएगी। तेरी बहन सुरुचि, मेरी बहन, तेरी छोटी बहन, छोटी, तेरी बहन सुरुचि ते करवा साजन के ब्याह सगाई, बहन सुरुचि ते करवा साजन के ब्याह सगाई। वो नादानी उम्र की यानी, वो नादानी उम्र की यानी है मेरे माँ जाई। उसके उत्तम जन्मेगा तू बड़े गुरु की माई, उसके उत्तम जन्मेगा तू बड़े गुरु की माई। मेरे मन में आस जगाई, मेरे मन में आस जगाई, गुल रोशन हो जावे। अरे जब तक
सा सास मत छोटो होने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने केवल आपको विधि बताई है। हाँ। इस काम को करने में ना न्यू समझ रहे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तुझे। वो कैसे? पहली बात तो राजा शादी के लिए हाँ नहीं भरेगा, क्योंकि अब उसकी उम्र नहीं है। अगर राजा ने हाँ भर भी ली, हाँ, तो तुझे अपने माता पिता को मनाना पड़ेगा, अपनी छोटी बहन से भी सलाह करनी पड़ेगी। ये काम बहुत मुश्किल है। अगर तू इस काम को कर पाई, हाँ, तो अवश्य मालिक तेरे ऊपर मेहरबान होगा। नारद जी महाराज, हाँ, आपने मुझे विधि बता करके बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, अब मैं सबको मना लूंगी। देखते हैं कैसे मनाती हो। सुनिए मेरी बात। कह दे। नारद जी महाराज, आज मेरी चिंता दूर हटा दी। इतनी खुशमत हो बेटी, अभी बात अधूरी आधी। इतनी खुशमत हो बेटी, अभी बात अधूरी आधी। माँ पिता और राजा तय करे सलाह करा तू शादी। धर्म सिंह चलती है मुनीवर सारी बात बता दी। धर्म सिंह चलती है मुनीवर सारी बात बता दी। मत भटके, मत भटके, भगवान चंद वो ईश्वर रहम दिखावे। मत भटके भगवान चंद वो ईश्वर रहम दिखावे। नारद जी मेरी भाती सुनी, नारद जी मेरी भाती सुनिया, हर कर जा खावे। हर करतार सभी के बिगड़े का बढ़ावे। हर करतार सभी के समझाने लगे कि रानी
अब तो तू भोजन के लिए बोल रही है, फिर कहेगी कि मुझे वही राजपाट वापिस चाहिए, मैं कहां से लाऊंगा और क्या लिख दिया क्या बताया। जल की झाड़ी चाहिए फिर बहल तुम्हेले मांगेगी और पलंग निवारी चाहिए। दुनिया न्यारी चाहिए दो चार टहलवा बांधी भी घर की सरकारी चाहिए। ओ घर की सरकारी चाहिए अरे मंगे आराम दी सोते सैनी जी प्रताप सिंह पुरा से 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, मैं तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद। क्या लिखा दूसरी बार तेरे बिन मैं कैसे जीऊंगी मेरे दुख सुख के होता दिखे मेरे दुख सुख के होता और तेरे कारण इंदर त्याहा गया तेरा मेरा महलम लोटा और भूख प्यास में नहीं रह कटे पिया बारह साल सोता ओ पिया बारह साल सोता और पीली बरिया जी कर लगे हो सारे पिया इधर हमारे ओ पिया इधर हमारे कैसी हुई रे बर्बादी पिया मेरा नंगा खड्यारे हुआ मेरी जिसके संग हुई साथी ओ हो मेरी जिसके संग हुई साथी और फिर रानी ने साड़ी अपने प्रीता
झगड़ा दी, फिर दोनों ने साड़ी काट के अरे लैया दी आधी, ओ साड़ी अरे लैया दी आधी, अरे गोरी सा करे काचे फर्स्ट की जैसी तिरस्ना वैसी उसकी रहती चास, बुढ़ा सोच छोरा मेरा पढ़ के थानेदार होता, छोरा सोचे बुढ़ा मर जा टिकट कटा के प्यार होता, फिर बाछे ते किला बेचू घर की मोटर कार हो जा,
आदरणीय जसवंत जी देते हैं, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए श्रोताओं, ये उपदेश की आपको पहली कली मैंने सुनाई, समझ में आई सभी के? एक बार जोरदार ताली बजा के बता दो। हाँ, क्योंकि हर माँ बाप का यही सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखाए और अच्छी सी नौकरी दिलवाए। बाप सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके थानेदार बन जाए, लेकिन वही बेटा जब उसके पढ़ना बस की नहीं होता ना, तो ये सोचता है पता नहीं कब ये बाप मरेगा और सारी धरती मेरे नाम आ जाएगी, और जब मेरे नाम आ जाएगी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में मैं घूमूंगा, ऐसा ही होता है ना। आइए दूसरी कली के माध्यम से सच्चाई लिखी कवि ने, और क्या लिखा जरा सुनिएगा। सोचे सबने ठाले यम के दूत, गंगा जी का पंडा सोचे सबने ठाले यम के दूत। वैद डॉक्टर न्यू सोचे से, वैद डॉक्टर न्यू सोचे से सारा गांव बीमार हो जा। मुंशी और वकील न्यू सोचे घर घर में तकरार हो जा। साधु और सैनिक न्यू सोचे भारत का उद्धार हो जा। सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो दूसरे के बारे में सोचता है, कौन है वो? हेरे सदा सुखावन सदा सुहागन रहे लुगाई, सदा सुहागन रहे लुगाई तो सोच मन हारी। क्या नाम है? छोटी बच्ची रितिका, 50 रुपए का पुरस्कार देती है, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनिएगा, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ कार्य इस संसार के अंदर कर रहे हैं तो वो ऊपर वाला हमें नहीं देख रहा, सोचते हैं ना, सोचते हैं। कुछ किया होगा ऐसा, जब सोचा होगा कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन उसकी नजरों से कोई नहीं बच पाता। बताया कि उसकी मर्जी के खिलाफ इस पृथ्वी पर तो पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए कह दिया क्या, रातें ढलती नहीं दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, जब जो चाहे वही तो होना है, जब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रघुराज चौहान जी निवासी छापुड़ से, सही बोला ना गांव का नाम? हाँ, रघुराज चौहान जी देते हैं 100 रुपए का पुरस्कार, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। और अगर कहीं पे गलती हो जाए ना, अगर गलती सलती हो जाए नाम बोलने में, तो 100 रुपए का पुरस्कार और दे दो, ठीक करवा लेना, इसमें कोई घर की बात है ये तो, है ना। एक बार जोरदार ताली बजा दो उनके लिए, ए ताली तो बजा लो, क्योंकि ये ताली जब आप बजाते हो ना
एक नेता को और कलाकार को ऐसे लगती है जैसे जापे वाली औरत को घी और गूंद लगता है। तो एनर्जी देने का काम करते रहो, हम अपनी ताकत दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आइए सुनिएगा। यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हुई एक बार हाथ उठाना, जिनकी शादी नहीं हुई और जिनकी दो दो हो रही हैं। हाँ, क्योंकि एक रंडवो को, रंडवे आदमी को भी ये होती है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। हमारे जसवंत जी कहाँ गए? हाँ, यहीं पे बैठे हैं। इनकी भी शादी करवानी पड़ेगी ना। हाँ, रंडवा आदमी ये सोचता है, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि रंडवा तो जैसा भी है वो बिल्कुल ठीक है, शादी वादी के चक्कर में मत पड़ना, बेकार होता है। आइए सुनेगा क्या लिख दिया। अफसर सोच औदा बढ़ जा, अफसर सोच औदा बढ़ जा, जिसके ऊपर बदलू घोड़े, बंगला सोच धन मिल जाते, जिसके ऊपर करूं मरोड़े, रणवा सोच ब्याह हो जाते, सर के ऊपर बांधू मोड़े, रणवा सोच ब्याह हो जाते, सर के ऊपर बांधू मोड़े। छोरे अंधा सोचे आंख बदल जा, बालक जैसा हो जा त्योरे, अंधा सोचे आंख बदल जा, बालक जैसा हो जा तोरे। कोई कोई मोटे न्यू सोचे से, कोई कोई मोटे न्यू सोचे से, बाते तू घरवारी क्या मैं सुनाने आए, सुनियो बात हमारी गाने सुनाने आरो, हाय सुनियो बात हमारी। जो गलत होगा वो गलत सोचेगा। कैसे कैसे लोगों के नाम इस रागनी के माध्यम से, इस उपदेश के माध्यम से आप सभी को सुनाए। अगर जरा सी भी बात अच्छी लगी है तो जोरदार ताली बजा के बता दो कि हाँ कवि ने अच्छा लिखा है। आई अंतिम कली और अच्छी लिख दी कवि ने, और क्या लिख दिया जरा सुनिएगा। सोचूं भरी सभा में सबके भीतर भर दूं ज्ञान, सोचूं भरी सभा में सबके भीतर भर दूं ज्ञान। सांस टूट जा आस टूट जा समझो जिंदगी खत्म तमाम, कोई भी ना साथ चलेगा सबका साथी वो ही राम। भरी सभा के बीच में हमने गाता देखा मुंशी राम, भरी सभा के बीच में हमने गाता देखा मुंशी राम। कृष्णा रूपी झगड़ा जग में
करवाने हो हरी जो किस्मत में लिखा मिटे ना कितनी जोर लगा ले री रानी कितने जोर लगा ले जोर चले न मेरा री रानी जोर चले न मेरा मेरे मत न छोड़े आस पिया क्यों दोस भागने तेरा हेरे तेरा हरी यज्ञ हमन तप दान किए मन कर लिया यत्न भतेरा री रानी कर लिया यत्न भतेरा समझा तेरी रानी रामन समझा ले सूदी का चक्कर छोड़ दे तू महाराज। हाँ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हाँ वो भी ये कहते हैं कि बिना पुत्र के तो माँ बाप को मोक्ष भी नहीं मिलता है। मैं इस बात को मानता हूँ लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ महारानी, मजबूरी है मेरी। दूसरी शादी कर लो महाराज। अच्छा हाँ कहिए क्या कहना चाहते हैं। सुनिए मेरी बात। संतान समझ हमें अपना धर्म निभाना री रानी अपना धर्म निभाना मेरे मोक्ष मिले ना बिना पुत्र के कहता सभी जमाना हो जमाना अरे सत कर्म और धर्म करे ते मिलता स्वर्ग ठिकाना री रानी मिलता स्वर्ग ठिकाना महारानी इतनी जिद ठीक नहीं है, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुकी हो। महाराज देखो आप चाहे कुछ भी कहो। अच्छा मैं तो आपकी शादी करवा के रहूंगी। देखिए आज तक हमने आपकी कोई बात नहीं टाली है महारानी, तो यही क्यों टाल रहे हो। मैं इस बात को भी नहीं टालूंगा, अगर मैं शादी के लिए हाँ भी भर लूं तो मुझे न्यू बताई इस उम्र में मेरे साथ शादी के लिए राजी कौन होगी, कौन हाँ भरेगी बुढ़े के साथ शादी के लिए। महाराज हाँ आपको ये टेंशन है कि आपके साथ में शादी करेगी कौन, आप बुढ़े हो चुके हो। अब कौन शादी करेगा मेरे साथ,
महाराज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, वो भी जुगाड़ है। जब मैंने आपसे शादी की बात की है हाँ, तो आपकी शादी भी कराने की मेरी जिम्मेदारी है। करवा देगी? करवा दूंगी बुढ़ापे में। बुढ़ापे में भर लू? हाँ हाँ भर लू ब्याह की। ताली बजा दे एक बार जोरदार। महाराज भर लो। बता तो किसके साथ? हमारा भी भला हो जाएगा, भर लो। अच्छा हाँ, बता कौन करेगी शादी फिर? सुनिए मेरी बात। बेटी ब्याहते कौन करे नादानी री रानी, कौन करे नादानी। हेरे अपनी बहने सुरुचि को मैं, अपनी बहने सुरुचि को मैं तेरी बनाऊ रानी, रानी। अरे मैं बुढ़ा वो बालक से नहीं, बदरंग लगे जिंदगानी री रानी, बदरंग लगे जिंदगानी। समझाऊरी मत रानी रो पचारे री मत, रानी रो पचारे। आदरणीय आरती वीरेंद्र सरपंच, जी हाँ आरती वीरेंद्र सरपंच ग्राम पंचायत जसाई, उनकी तरफ से भाई दोनों कलाकारों के लिए 500 रुपए का पुरस्कार आया है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों से। महारानी। महाराज तुम पागल हो चुकी हो। नहीं महाराज नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ। अब चाहे आप मुझे पागल कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, महाराज शादी तो आपको करनी पड़ेगी। तू जानती है तेरी छोटी बहन की उम्र 16 साल है? जानती हूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी 70 साल उम्र है, ऊंट बैल का कभी जोड़ा नहीं मिलता बावली। फिर भी मैं चल तेरी बात को मानता हूँ। इस बात का ध्यान करना कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो सबसे ज्यादा दुख तेरे जीवन में हो जाएंगे। इस बात का ध्यान अभी लगा ले, बाद में ये डोर मेरे हाथ से छूट जाएगी और तू बहुत ज्यादा पछताएगी। मैं तुझे समझा रहा हूँ महाराज। हाँ ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर आपकी दूसरी शादी हो गई हाँ, तो मेरी इस घर में कोई भी पूछ नहीं रहेगी महाराज, मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। यही समझाना चाह रहा हूँ तुझे, तू मान जा अभी। लेकिन महाराज हाँ, मैं ये सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ, मेरी भी तो संतान होगी, उसके सहारे मैं अपने दिन काट लूंगी। एक बार जोरदार ताली मार दे, जोरदार ताली। कह दे महारानी क्या कहना चाहती है। सुनिए बात मान ले, खिल जा गायो उजड़ा चमन हमारा हो हमारा। अरे पछतावे, अरे पछतावे कदे सोच समझ ले रानी फिर दोबारा, मेरी रानी फिर दोबारा। मैं राजी हूँ आवेगा हमारे जीवन में उजियारा हो उजियारा। भगवान चंद वो परम पिता है सबका पालन हारा री, वो सबका पालन हारा। भवर में उस दिन कौन संभाले री रानी, उस दिन कौन संभाले। जो किस्मत में लिखा मिटे ना, कितनी जोर लगा ले री रानी, कितने जोर लगा ले।
ए तेरी हंसी हो जागी अरे चौक दूसरी आगी ते तू दासी हो जागी अपना ब्याह करवावे रानी तेरी हंसी हो जागी चौक दूसरी आगी ते तू दासी हो जागी अपना ब्याह करवावे रानी निर्मल दूध गौकारी निर्मल दूध गौकारी तू काफी हो जागी आदि तू काफी हो जागी मतना ब्याह करवा मैं रानी हाथी हो जागी आदि तू काफी हो जागी करवा मैं रानी पे पानी पीवे ऊंची किने पे पानी पीवे तेरे खाती हो जागी सौक दूसरी आगी ते तू दासी हो जागी मतना प्यार करवावे रानी ताजा भोजन खीर करी ताजा भोजन खीर करी तू पासी हो जागी सब दूसरी आगी ते तू पासी हो जागी अपना करवावे रानी Para
के चेहरे खजा तमाशा हरी के चेहरे खजा तमाशा हरी आती हो जागी सब दूसरी आती तो दूसरी हो जागी अपना प्यार करवावे रानी धन्यवाद साहब जी।